पुलिस की गो तस्करों से मुठभेड़ संभल जिले के असमोली थाना इलाके के सैदपुर जसकोली गांव के समीप हुई है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस इलाके में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने सामने से आ रही बाइक पर गो तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो बाइक पर सवार गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। गो तस्करों की गोली सिपाही शलभ राठी के लगी जिससे वे घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने गो तस्करों की घेराबंदी कर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गोली लगने से भागने का प्रयास कर रहे दोनों गो तस्कर घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए गो तस्करों से दो अवैध तमंचे, कारतूस और एक गठरी में गोमांस बरामद किया गया है। गिरफ्तार गो तस्कर हजरत नगर गढ़ी थाना इलाके के सिरसी कस्बे के जुनेद और चांद आलम बताए जा रहे हैं। घायल गो तस्करों और घायल सिपाही को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम सैदपुर जसकोली के पास में ये छोटी रोड है, यहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी तो इसमें ये दो अपराधी हैं जिनका नाम जुनैद और चांद आलम है। ये दोनों सिरसी के रहने वाले हैं। ये एक मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनके पास एक बोरी भर के गाय का मांस जो प्रतीत हो रहा है वो था। तो इनको जब ललकारा गया तो इनको रोका गया तो इन्होंने पुलिस की टीम की तरफ फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में इन दोनों के पैर में गोली लगी है और पुलिस का भी एक जवान इसमें घायल हुआ है इस फायरिंग में। इसमें इन दोनों को अभी अस्पताल भेज दिया गया है, सिपाही को भी भेज दिया गया है। इनके पास से जो प्रतिबंधित पशु का मांस बरामद हुआ है उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। दो असले तथा उसके साथ में कारतूस और चले हुए कारतूस के खोखे बरामद हुए हैं। इसमें वैधानिक कार्रवाई मुकदमा लिखकर की जा रही है। इनके पूरे लिंकेज को तलाशा जाएगा कि इनके द्वारा ये मांस कहाँ पर बेचा जा रहा था और क्या इनकी पूरी प्रक्रिया थी। धन्यवाद।